सफेद घोड़े का घमंड और गरीब गधा। कृष्णचंद के पास एक बहुत ही अच्छा और समझदार गधा है। जितना कृष्णचंद उससे काम लेता है, गधा उसकी उम्मीद से भी ज्यादा उसे करके देता है, क्योंकि गधे का ये मानना है कि हमें अपने मालिक के लिए जी जान से पूरा काम करना चाहिए। कृष्णचंद जिस गांव में रहता है वहां से शहर थोड़ी दूरी पर था। वहां पर गाड़ी का कोई साधन नहीं था, इसलिए शहर से जो भी सामान आता था वह बैलगाड़ी या गधों पर लाद कर ही आता था। कृष्णचंद ने गधा इसीलिए रखा था ताकि वो शहर से सामान लाकर पैसा कमा सके। एक दिन कृष्णचंद के पैर में मोच आ जाती है, जिससे वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। उसे इस बात की चिंता हो जाती है कि अब वो शहर कैसे जाएगा और वहाँ से सामान कैसे लेकर आएगा। अरे अरे अरे, मेरे पैर में तो बहुत मोच आ गई, अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। क्या करूँ, सामान लाना भी बहुत जरूरी है, कैसे लाऊंगा। हाँ, ऐसा करता हूँ, अपने लिए एक हट्टा कट्टा तंदुरुस्त सा घोड़ा लेकर आता हूँ। घोड़े पर बैठकर मैं आराम से शहर से सामान गधे पर लाद कर ला सकता हूँ। इससे मेरी परेशानी भी दूर हो जाएगी, सामान भी ले जाऊंगा और पैसे भी कमा लूंगा। हाँ, यही करता हूँ। हाँ? मालिक तो नया घोड़ा लाने का सोच रहे हैं। चलो अच्छा है, मैं भी अकेला ही था, अब मेरा भी मन लगा रहेगा, मुझे भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। जब मालिक ठीक हो जाएंगे उसके बाद वो भी मेरे साथ काम में हाथ बटा दिया करेगा। बहुत अच्छा ख्याल आया मालिक के मन में। कृष्णचंद एक बहुत तंदुरुस्त खूबसूरत सा सफेद रंग का घोड़ा लेकर आता है। घोड़े को अपने रूप और रंग पर बहुत ही घमंड होता है कि वह खूबसूरत और हट्टा कट्टा जवान घोड़ा है। अरे तुम आ गए, मालिक तुम्हें ले आए, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम्हारे साथ साथ मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, वो क्यों भला? तुम जैसे गधे को मुझसे क्या काम हो सकता है भला? कहाँ मैं और कहाँ तुम। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी, फिर तुम्हें भी मुझसे बात करना अच्छा लगेगा। चेतक नया नया था, जिस वजह से कृष्णचंद उसकी सुंगा से ज्यादा सेवा करता है, उसे अच्छे से घास खिलाता पिलाता है। सुंगा को बस एक ही बार खाना दे देता और दोबारा पूछता भी नहीं, जबकि चेतक को बार बार आकर खाना और पानी पूछता है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मेरी अहमियत कम हो गई है? मालिक मुझे कम प्यार करते हैं और चेतक को ज्यादा प्यार करते हैं, उसे कितने अच्छे खिला रहे हैं और मुझे एक बार डाल के चले जाते हैं, दोबारा पूछते तक नहीं। नहीं नहीं, शायद ये मेरे मन का वहम है, मुझे अपने मन में ख्याल भी दोबारा लाना नहीं चाहिए, मालिक बहुत अच्छे हैं। देखा सुंगा, मैंने कहा था ना, हम घोड़ों की अहमियत तुम गधों से ज्यादा होती है, हमें सब बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो मालिक मुझे तुमसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और अच्छे से खिला पिला रहे हैं, जबकि तुम्हें अच्छे से पूछ भी नहीं रहे। इस तरह से कृष्णचंद रोज अपने घोड़े पर बैठकर गधे को शहर सामान ढोने के लिए ले जाता, जब तक उसका पैर ठीक नहीं होता है। वो इसी तरह से घोड़े पर बैठकर शहर से गांव आता जाता है। क्योंकि कृष्णचंद को ज्यादा चलना पसंद था, इसलिए कुछ दिनों के बाद जब उसका पैर ठीक हो जाता है तो वो पैदल ही चलना पसंद करता है। अब तो मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, अब मुझे चेतक पर सवारी करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सुंगा के साथ साथ उसे भी शहर का रोजाना चक्कर लगवाऊंगा, उसे भी अच्छा लगेगा। कृष्णचंद सुंगा के साथ चेतक को शहर तो ले जाता था, लेकिन उस पर बिल्कुल भी सामान नहीं लादता था, जबकि सुंगा के ऊपर भर भर कर सामान डालता था, जिस वजह से सुंगा बहुत थक जाता था। लेकिन वो कभी भी अपने मालिक से एक बार भी इस चीज के लिए शिकायत नहीं करता। वही चेतक में बहुत घमंड था, वो अपने ऊपर बहुत घमंड करता था कि वो एक घोड़ा है और सुंगा एक गधा है, इसलिए उसके मालिक उससे कोई काम नहीं लेता है, बस उसकी सेवा और खातिर करता है, और इसी बात को लेकर वो हमेशा सुंगा को चिढ़ाया करता था। हाय रे, आज तो मर गया, बहुत थक गया हूँ आज मैं। ये तो तुम्हारे रोज का ही काम है, कौन सा तुम आज पहली बार काम कर रहे हो जो इतना थक गए हो? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम एक गधे हो, चाहे जितने भी नखरे कर लो, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब करना तुम्हारी किस्मत में लिखा है। हाँ भाई, शायद तुम सही कहते हो, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गधा पैदा हुआ हूँ, मैं भी तो एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ,
बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि तुम मेरी तरह राजा महाराजा वाली जिंदगी जियो। हाँ, फिर एक दिन की बात है, कृष्णचंद शहर से चेतक और सुंगा के साथ घर लौट रहा था। आज उसने सुंगा के ऊपर पहले से भी ज्यादा सामान लाद रखा था और चेतक बिल्कुल खाली चल रहा था, एकदम शांत से। अरे भाई चेतक, मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे लगता है आज मालिक ने मुझ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही माल लाद दिया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आखिर तुम भी तो मेरे भाई जैसे हो। बस एक बोरा अपने ऊपर उठा लो जिससे थोड़ा बोझ कम हो जाए। देखो ना, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई है सोचने की कि मैं तेरी मदद करूंगा और तेरे साथ बोरे उठाऊंगा? कहां मैं राजा और कहां तू भिखारी गधा, अब तुम मुझसे मुकाबला करोगे? तुम गधे तो पैदा ही इसलिए हुए होते हो कि बोझ उठा सको, और तुम मेरा मुकाबला करने का साहस कर रहे हो? चुपचाप से चलो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। सुंगा को चेतक की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो इतना सारा भार पीठ पर लेकर चुपचाप चलने की कोशिश करता है, लेकिन भार ज्यादा होने के कारण सुंगा बहुत थक गया था, जिस वजह से वो एक जगह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ सुंगा, तुम गिर कैसे गए? हाँ शायद आज मैंने इस पर कुछ ज्यादा ही भार डाल दिया था, जिस वजह से बेचारा सुंगा बेहोश होकर गिर गया। ये तो बेचारा बहुत कमजोर लग रहा है और थका हुआ भी। ऐसा करता हूँ, बोरे उठाकर चेतक पर लाद देता हूँ। चेतक तुम सीधे खड़े हो जाओ, ये बोरे अब मैं तुम पर लाद रहा हूँ। अब इन बोरों को तुम ले चलोगे, क्योंकि सुंगा बहुत ही कमजोर और थका हुआ है, जिस वजह से वो चक्कर खाकर गिर गया है। क्या क्या मालिक, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये सब कैसे उठा सकता हूँ? मैं तो घोड़ा हूँ ना, मैं तो केवल सवारी के लिए काम करता हूँ और सिर्फ सवारी उठाऊंगा। ये सामान उठाने का काम तो इस गधे का ही है। चेतक तुम देख नहीं रहे हो, सुंगा बेचारा कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर गया है, तो अब तुम्हें ही ये सारा सामान उठाना पड़ेगा। तुम्हारे इतने हट्टे कट्टे होने का क्या फायदा अगर तुम किसी की मदद भी ना कर सको? लेकिन मालिक, ये सुंगा नाटक कर रहा है, ये कोई चक्कर खाकर नहीं गिरा है, ये सामान ना उठाने की इसकी चाल है। ये तो है ही नौटंकी बाज गधा और नाटक करके नीचे गिर गया है, आप इसकी जांच कीजिए। अच्छा तो क्या सुंगा मुझसे झूठ बोल रहा है? वह काम चोरी कर रहा है, लेकिन उसने कभी ऐसा किया तो नहीं। लेकिन चलो फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इसकी एक बार जांच कर लेता हूँ। अगर ये बात सच निकली तो मैं सुंगा को नहीं बख्शूंगा, और अगर झूठ निकली तो चेतक सच में तुम मुझसे बहुत मार खाओगे। कृष्णचंद इस बात की अच्छे से जांच करता है कि सुंगा कहीं नाटक तो नहीं कर रहा है, लेकिन सुंगा बिल्कुल भी नाटक नहीं कर रहा था। वो बेचारा कमजोरी के कारण जमीन पर गिर गया था, जिस वजह से उसे चोट भी आई थी, और वो बेचारा दर्द से बहुत जोर जोर से रो रहा था। ये सब देखकर कृष्णचंद को सुंगा पर बहुत तरस आता है और चेतक पर बहुत गुस्सा आता है, और वो डंडे से चेतक की पिटाई करता है। चेतक हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, अब तो तुम्हारी डंडे से खूब पिटाई होगी। नहीं मालिक, नहीं मालिक, मुझे मत मारिए मालिक। चेतक मैंने तुम्हें बहुत सर पर चढ़ा लिया है, तुम्हें बिल्कुल आजाद रखा था, तुमसे कोई काम नहीं करवाता था, मुफ्त में तुम्हें खिला पिला रहा था, जिस वजह से तुम में घमंड आ गया, और हमेशा तुम सुंगा को बातें सुनाते थे। सुंगा तो बेचारा हमेशा से ही मेहनत का खाता आ रहा है, और वो मेरे प्रति हमेशा वफादार रहा है। बहुत हो गई तुम्हारी आजादी, आज के बाद तुम भी सुंगा के साथ बराबर का काम करोगे, जितना भार सुंगा उठाता है उतना ही तुम भी उठाओगे। ठीक है मालिक, जैसा आप कहें। इसके बाद से चेतक का घमंड टूटकर चूर चूर हो चुका था। कृष्णचंद अब चेतक से भी उतना ही काम लेता जितना वो सुंगा से करवाता था। दरअसल कृष्णचंद दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता था, वो दोनों को ही बराबरी का प्यार करता था। वो तो चेतक ही था जिसमें घमंड का भाव पैदा हो गया था, लेकिन अब सब सही हो गया था।